फ्रेंड्स, आज डेप्स म्यूजिक में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एक सैक्सोफोन का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ साथ एक जो फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी ये भी बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं मार्केट में। जबकि जनरली फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी कुछ नहीं होता, ये एक मेड इन चाइना या चाइनीज बने हुए चीप सैक्सोफोन्स होते हैं। तो आज एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं कि क्या बेसिकली डिफरेंस होता है एक चाइनीज कॉपी में और एक ओरिजिनल सैक्सोफोन में। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने जो लिया है ये YS-62 को लिया है। तो जो ब्लैक बॉक्स में आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल YS-62 है, मेड इन जापान, और ये एक कॉपी है YS-62 का ही। तो हम आपको दोनों का कंपैरिजन कराते हुए चलेंगे। डिटेलिंग्स आप देखिए तो आपको खुद आइडिया लगेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सैक्सोफोन्स रखे हैं। दिस वन इज ओरिजिनल, ये आपका डुप्लीकेट कॉपी है। ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये लिखा हुआ है YS-62, ये कॉपी है और ये ओरिजिनल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन दोनों का नेक कंपैरिजन करेंगे तो पहली बात तो ये, यहां देखिए ये प्लास्टिक का लोगो मिलेगा जिसको वो लोग गोल्डन पेंट कर देते हैं जो बाद में उतर जाता है। इसमें आपको ये ओरिजिनल। सेकेंडली आप अगर देखेंगे तो इसका नेक का साइज देखिए, एक फैक्टर है कि ओरिजिनल का नेक बड़ा मिलेगा, उसका लोगो ओरिजिनल होता है और उसका जो ये आप ये जो इसका जो यहां स्टॉपर होता है, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए आप। इसका ये साइज देखिए और इसका देखिए। ये डिफरेंस हुआ आपका नेक में। अब मैं अगर इसके वेट की बात करूं तो टू बी वेरी फ्रैंक मुझे वेट कॉपी का ज्यादा लग रहा है। जो लोग ज्यादातर वेट देख के सैक्सोफोन लेते हैं आजकल, मैंने ये देखा है, जबकि ये दिस इज मेड ऑफ एलॉय, ये एलॉय का बना है। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल, उसको एलॉय बोलते हैं, जिसमें आपका आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कांसा, थोड़ा सा ब्रास, मैनी अदर्स जो मुझे भी याद नहीं आ रही है, इस तरीके की मिक्स करके उसमें थोड़ा सा ब्रास भी होता है, वो उसको मिक्स करके ये बनता है। तभी आप देखेंगे कि जब कभी भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो ये इस तरीके का काला पड़ना शुरू हो जाता है, जब लेकर उतरता है तो पॉलिश उतरता है। तो ये लेकर की वजह से ऐसा लगता है कि ये इसमें साउंड अच्छा आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे लेकर इसका उतरने लगता है वैसे वैसे इसका साउंड में भी और ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। दूसरा मैं इसको देखूं, इससे लाइट वेट, बहुत बैलेंस्ड वेट है। एक लगता है कि कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा भार इसमें नहीं डाला गया है। अब अगर मैं इसकी एनग्रेविंग पे बात करूं यहां पे, तो आप दोनों को कंपेयर में करता हूं। ये देखिए यहां पे ये इसकी कैसी एनग्रेविंग है, ये यामाहा की, कितनी क्लियर, और आप इसको देख सकते कॉपी। ये देखिए, ये इसकी एनग्रेविंग देखिए और ये ओरिजिनल की एनग्रेविंग देखिए आप। अब मैं दूसरा इसके लोगो पे आता हूं, जरा सा इसको लोगो देखिए। तो ये ओरिजिनल का लोगो कितना क्रिस्टल क्लियर है, यामाहा शॉर्ट उसमें लिखा हुआ है, एनग्रेव किया हुआ
और इसका लोगो आप खुद चेक कर सकते हैं। अभी आप इसके अगर यहाँ पर्ल की बात करेंगे, देखिए ये चीप पर्ल आपको क्लियर दिखाई देते हैं, ये बाहर की तरफ उभरे हुए, जबकि ओरिजिनल में ये बहुत अच्छे से फिक्स किए जाते हैं क्योंकि ये इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आप ऐसे अगर मैं इसको रखता हूँ, ये आप देखिए, तो ये जो बेल साइज है ये दोनों मैंने एकदम साथ में लगाया है। इसकी लेंथ देखिए और इसकी लेंथ देखिए, ठीक है, ये बेल छोटा रहेगा, ये बेल इसका बड़ा है। नीचे आप इस पे देखिए, ये जो इसका जो बो है, बो को जो कवर करता है मटेरियल, इसका एक बहुत बड़ा हाथ भी होता है क्योंकि जब आपका इधर से घूमता हुआ साउंड आपका बाहर निकलता है तो इस जॉइंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसका जॉइंट देखिए, ये देखिए, और इसका जॉइंट देखिए आप, इसमें कितना ये आगे तक दिया हुआ है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको समझ में आएंगी। बैक साइड में आते हैं, सेम आप पल देखिए, इसकी का डिफरेंस देख लीजिए, उसमें फिनिशिंग अलग है। दूसरा जो एनग्रेव किया हुआ YS62 है वो इस तरीके का होगा और इसमें वर्ड्स आपको बड़े मिलेंगे थोड़े। इसके बाकी की वर्क पे आ जाइए, ये देखिए, ये की ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। ये हाई एफ शार्प की देखिए, इसका अलाइनमेंट कहाँ जा रहा है, प्लस ये छोटी है, ये हाई एफ शार्प की ओरिजिनल है और इसका साइज देखिए, ये अलाइन देखिए, एक इसका अलाइनमेंट देखिए और एक ये अलाइनमेंट देखिए, ये समय के साथ साथ ये और बिगड़ता जाता है। इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड पैंट गार्ड, इसकी डिजाइनिंग अलग है, ये चीप सा बना हुआ है, ये आप देखिए, ये यामाहा का है। ये जो आपके बेल को और ट्यूब को ये जोड़ता है, जो इसका कनेक्टर है, आप इसकी ये देखेंगे, ये बड़ा मिलेगा, चपटा मिलेगा ज़्यादा, ये बहुत ही रिफाइंड बना हुआ है। यहाँ पर्ल मिलेगा आपको जी शार्प में, इसमें पर्ल नहीं होता है, ये मेटल का ही रहता है। लेंथ भी देखेंगे तो थोड़ी सी छोटी मिलेगी क्योंकि लेफ्ट वाला जो है वो कॉपी है और जो राइट वाला है वो ओरिजिनल है। अब मेन बात आती है कि ये साउंड कैसा करता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सैक्सोफोन कोई भी हो, अगर वो अच्छा साउंड कर रहा है तो फिर उसकी बाकी कमियां छुप जाती है। ये मैं इसमें सोलो इस माउथपीस यूज कर रहा हूँ, दोनों में सेम माउथपीस को मैं यूज करूंगा, ओरिजिनल YS62। जैसा बजाना चाहेंगे वैसा बजेगा, भाई ये 62 बहुत अच्छा मॉडल होता है, बशर्ते कि वो ओरिजिनल हो। सेम माउथ पीस यूज कर रहा हूं इसमें।
कीवर्ड बजाने में भी उतना स्मूथनेस नहीं है जितना कि आपको YS 62 में मिलता है, ओरिजिनल YS 62 में। तो ये एक फर्क है जो मैंने आपको थोड़ा सा आपकी अवेयरनेस के लिए बताना चाहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट कॉपी है और 35,000-40,000 रुपीज में खरीदते हैं, बट ओरिजिनल विल ऑलवेज ओरिजिनल। देखिए साउंड को आप और एनहांस कर ही नहीं सकते, आपका रीड स्टक हो जाएगा। और ये हम सेम इसको ओरिजिनल से बजाते हैं, आप साउंड को कितना भी एनहांस कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर प्लेबिलिटीज एंड ऑल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं आप लोगों की जागरूकता के लिए बताना चाहता हूं कि कॉपी एक हमेशा कॉपी रहेगा। जो ओरिजिनल सैक्सोफोन का फील है वो जब तक आप कुछ ब्रांडेड सैक्सोफोन नहीं खरीदते तब तक वो फील जो आप महसूस करना चाहते हैं एक्चुअल वो आपको नहीं मिलेगा। Thank you very much.